गुड मॉर्निंग हिमाचल। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की प्रमुख खबरों पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी। श्रावण मास शुरू, ओम नमः शिवाय के जयकारों से गुंजायमान हुई छोटी काशी मंडी। हमीरपुर के गांधी चौक पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को पुष्पांजलि। पंचरुखी में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के अस्थि कलश के दर्शन को उमड़े लोग। कल कुंजवेश्वर महादेव लंबा गांव में होगा विसर्जन। जोगिंदर नगर में कोहल बहने से किसान परेशान, फसलों को नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। छोटी काशी मंडी शुक्रवार 16 जुलाई को ओम नमः शिवाय के जयकारों से गुंजायमान हो गई है। श्रावण मास के शुरू होने पर एकादश रुद्र मंदिर में जिला उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी द्वारा अखंड ज्योति प्रज्वलित कर जाप का शुभारंभ किया। यह जाप 15 अगस्त तक दिन रात निरंतर जारी रहेगा। एकादश रुद्र मंदिर के पुजारी स्वामी संत सुंदरम ने बताया कि एकादश रुद्र मंदिर में यह परंपरा लगातार 42 वर्षों से चली आ रही है। उन्होंने बताया कि एक महीने तक हर मंगलवार को मंदिर परिसर में 11 से 1 बजे तक सुंदरकांड का आयोजन होगा। इसके साथ हर वर्ष की भांति दोपहर को SOP के तहत लंगर की व्यवस्था रहेगी। बारिश की बूंदें रिमझिम जब पड़ने लगती है तो लगता है श्रावण मास आ रहा है, और श्रावण मास आ रहा है तो मतलब जो शिव भगत है उनके मन में हर्षोल्लास छाया जाता है कि भगवान शंकर का मास जो है श्रावण मास आ रहा है। ऐसा ही एकादश रुद्र मंदिर जहाँ 41 वर्ष हो गए इसको मनाते हुए, इस बार 42वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो जिसमें जो है नाम की महिमा का जो है विशेष वर्णन किया जाता है। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि भव उतर ही पारा। कलयुग में केवल जो है नाम की ही महिमा है, जहाँ भी देखो मतलब सभी शास्त्रों में कहा है, और उसी महिमा के ऊपर आधार के ऊपर जो है यहाँ जाप चलता है। एक महीना रात दिन अखंड जाप चलता है। बोलने को तो बड़ा लगता है आसान बात मतलब, पर मतलब बीच में कभी रात को कभी कोई आए ना आता है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब हर टाइम एक आदमी को अलर्ट ही रहना पड़ता है, तब वो जाप चलता है। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक मंडी, ओनली यूनिवर्सिटी प्रमोटेड एंड मैनेज्ड बाय हिमाचली पर्संस, एंड टू गेट UGC अप्रूवल इन फर्स्ट इंस्टेंस, 7 इयर्स ऑफ फाइनेस्ट एग्जिस्टेंस, एक्सीलेंट फैसिलिटी, मॉडर्न लैब्स, फाइनेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट विद कंड्यूसिव एम्बियंस फॉर एजुकेशन। कोर्सेज ऑफर्ड BA, BEd, BSc, BEd, B Pharmacy, B Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, M.Tech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. शुक्रवार को हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को कांग्रेसियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। हमीरपुर के ऐतिहासिक गांधी चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अस्थि कलश रखा गया। यहां पर कांग्रेसियों तथा आम लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद यह यात्रा सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हुई। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र जार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अनीता वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा तथा पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया एवं अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यक्रम है। सभी 68 विधानसभा क्षेत्र जो हैं हिमाचल के, उनमें ये अस्थि कलश यात्रा आयोजित की जा रही है। सभी विधानसभा क्षेत्र में पूरे इलाके में इस यात्रा को घुमाया जाएगा, और लोग जो अपनी तरफ से श्रद्धा के फूल इस महान आत्मा को भेंट करना चाहेंगे उन्हें इस बात का मौका मिलेगा। कई लोग इनकी शव यात्रा में नहीं शामिल हो सके, कई इनको श्रद्धांजलि नहीं दे सके, तो इनके घर द्वार जाकर हम लोगों को उनके
जो श्रद्धांजलि देने का जो कार्यक्रम है उसको पूरा करवाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह का अस्थि कलश आज पंचरुखी के अंबेडकर भवन पंचरुखी में लोगों के दर्शनों के लिए रखा गया। शुक्रवार को 11 बजे यहां शोक सभा रखी गई। हजारों लोगों ने यहां पहुंचकर नम आंखों से अपने नेता को विदाई दी। पूर्व कांग्रेस विधायक यादवेंद्र गोमा, चैन सिंह, रमेश कुमार, राजेंद्र, राकेश पटियाल सहित पंचायत प्रधान व महिला मोर्चा ने अपने प्रिय नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व विधायक यादवेंद्र गोमा ने बताया कि इसके बाद अस्थि कलश जालक से होता हुआ भुआणा, दगोह व टंबर में वजय सिंहपुर कला मंच में लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद कुंजवेश्वर महादेव लंबा गांव में अस्थि विसर्जन होगा। क्षेत्र में हुई भारी बरसात के कारण मैन भरोला सिंचाई कोहल बहने से लोगों को फसल का भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार ये सिंचाई कोहल क्षेत्र की सबसे बड़ी सिंचाई कोहल है। बरसात के कारण इसे नुकसान हुआ है और इसके नुकसान से टिकरू के किसान जसवंत सिंह को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जहां जसवंत सिंह की फसल बही है, वहीं अनार के दर्जनों पेड़ भी इससे बच नहीं पाए।